अहाना किसी को अपने पीछे महसूस कर घबरा और डर जाती है और उस शख्स का अचानक से यूँ अपनी बाहों में जकड़ लेना उसके वो भरी हाथ अपने पेट पे महसूस कर गर्दन उसकी वह भारी और तेज सांसें अपने ऊपर महसूस कर उसके रोए खड़े होने लगते हैं आहाना हकलाते हुए बोलती है कौन है अहाना जवाब ना मिलने पर अपने सर को पीछे पलट उस शख्स को देखना चाहती थी वह जैसे ही वह अपना फ़ेस को पीछे पलट देखने की कोशिश करती है तो अचानक से ही वॉशरूम की लाइट चली जाती है आहाना के सामने पूरा अंधेरा पसर जाता है उस अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे वो और भी ज़्यादा डर जाती है आहाना के माथे पर अब पसीने के बूंद आने लगे थे उसे किसी अनजान डर का आभास हो रहा था आहाना अभी भी उसी की बाहों के गिरफ्त में थी आहाना को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था किसी शेर के पंजे में कोई खरगोश हो आहाना को उसका स्ट्रांग और उसकी वो लोहे जैसी सख्त बॉडी उसके पूरे बॉडी को जकड़ी हुई थी जिससे उसे लग रहा था कि वह टूट जाएगी अहाना हक लाते बोलती है आदित्य क्या ये तुम हो ना तुम मुझसे कोई मज़ाक फिर से तो नहीं कर रहे हो ना बोले तुम ही हो ना लेकिन उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती बस उसकी तेज़ और गर्म सांसें महसूस कर रही थी शोल्डर पर वो शख्स उसके शोल्डर पे अपने नाक को रब करते हुए उसके बाल और उसकी गर्दन को अभी भी सूंघ रहा था जिसे महसूस कर रहाना और सहर रही थी आदित्य अगर ये कोई मज़ाक हुआ तो मैं तुम्हारा मर कर डालूंगी आई विल किल यू प्लीज कुछ जवाब ना मुझे अब डर लग रहा है क्या ये तुम ही हो ना लेकिन वो शख्स कुछ भी नहीं बोलता आहाना को उसकी स्ट्रांग प्रेजेंस आदित्य जैसी तो नहीं लग रही थी कुछ आवाज़ ना आते देख और जवाब ना मिलने पर आहाना अपने कांपते हाथों को ऊपर की और धीरे धीरे ले जाते हुए अपने गर्दन तक ले जाती है जिस साइड उस शख्स ने अपना चेहरा रखा हुआ था अहाना अपने कांपते हाथों से धीरे धीरे उसके अनजान शख्स के चेहरे पर अपना हाथ रख उसे महसूस कर उसे जाना चाहती थी वह कौन है उस इंसान के सख्त चेहरे पे अपने नाज़ुक और मुलायम उंगली चलाने लगती है अहाना के टच से वह शख्स चौंक जाता है उसे उम्मीद नहीं थी कि आहाना उसे यू टच करेगी जिसे महसूस कर उसे अपने दिल में अलग सी ही सुकून और कुछ अजीब सा महसूस होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था और वही ये चीज़ को अब हमेशा महसूस करना चाहता था फिर वो शख्स अपने आंखों को मूंद मूंदा के टच को अपने चेहरे पर फील करने लगता है क्योंकि उसके लिए सब नया था अहाना उसके वो परफेक्ट से लाइन को छूते हुए क्लीन सेफ फेस को छूते हुए महसूस कर और ऊपर की ओर बढ़ती है उसके गालों को छूते हुए अपने हाथ और ऊपर ले जाती है वो शख्स अहाना के टच से अलग ही माधोस हो रहा था अब उसकी वो घनी पलके छूने लगती है उसे महसूस करते हुए अपने हाथ थोड़ा साइड कर उसके नाक पे ले जाती है उसकी नाक छूते हुए आहाना का हाथ थोड़ा नीचे की ओर टच हो जाता है उसने हाथ उसके होंठ पर चले जाते हैं जिससे उस शख्स की आंखें तुरंत खुल जाती है वो शख्स अपने मन में बोलता है कभी न सोचा था कि मैं तेरे क़रीब इस कदर आऊँगा मैंने बस तुझे ख्वाबों में ही महसूस किया था आज तू मेरे पास हकीकत में है जब तुझे किसी गैर मर्द की बाहों में देखा तो दिल में एक आग सी लगती है जिससे पूरी दुनिया को जला दूं मैं खुद को तेरी करीब आते हुए मैं ख़ुद को रोक न सका मैंने सोचा था कि मैं तुझे आज महसूस करूंगा लेकिन आज तू मुझे महसूस कर रही है अपनी यह छुअन से तेरी एक छुअन मुझसे तुझसे दूर न जाने की एक और वजह दे रही है दिल करता है तुझे अपनी बाहों ऐसे ही कैद कर लूं वह पल भी आएगा जब तुम मेरी बाहों में हमेशा के लिए कैद रहेगी और उसकी कोई रिहाई नहीं होगी आहाना के जब हाथ उसके नाक से होते हुए नीचे की ओर बढ़ता है तब उसके हाथों में कुछ मुलायम सी चीज़ टच होता है उसे छूकर महसूस करने लगती लेकिन उसे महसूस नहीं था कि साथ से खेल रही है आहाना के ऐसे उसके होठों को टच करने से उस इंसान के तन बदन में एक आग सी लग रही थी उसे अपना बदन जलता सा हुआ महसूस हो रहा था उसकी सांसें और भी गर्म हो गई थी उसे ऐसा लग रहा था उसके होठों पर कोई पंख फिर आ रहा हो उसे आहाना के हाथ अपने हॉठ पे किसी रूई के सामान मुलायम लग रहे थे आहाना को अब कुछ अजीब सा लगता है जब उसे महसूस होता है वह क्या चीज़ को छू रही है तो एक कट सा लगता है वह तुरंत अपने हाथ वहां से हटाने के लिए अपने हाथ नीचे की ओर खींचती है तभी उसके हाथों को कोई सख्त हाथ पकड़ लेता है आहाना अहाना काँपसी जाती है इस इंसान ने अब जाकर कोई रिएक्शन दिया था आहाना अपने हाथ को अब छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उस शख़्स की मज़बूत पकड़ आहाना की मुलायम हाथों पर थी और भी कश्ती जा रही थी जिससे वह छुड़ा नहीं पाती है आहाना को महसूस हो गया था कि यह उसका आदित्य नहीं है ये कोई और है और उसकी मौजूदगी से यह पता चल रहा था कि वह बहुत ही डरावना है आहाना उस शख्स के हाथों से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वह शख्स उसके हाथों को अपने होठों के करीब ले जा अपने होठों की गर्म सांस उसके हाथों पर छोड़ते हुए जिससे आहाना और भी डर से काँप जाती है आहाना डरते और कांपते होठों से बोलते हैं कौन हो तुम स्टोरी को लाइक कमेंट एंड रिव्यू जरूर दीजिए जिससे स्टोरी और आगे बढ़ सके ना कौन हो तुम लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता वॉशरूम में अभी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था सिर्फ़ दो लोगों की तेज़ सांसों की आवाज़ आ रही थी एक आहना की जिसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी डर और कांपने की वजह से दूसरी अनजान शख्स की भारी और गर्म सांसें जो मधोशी में आ रही थी वह आहना की हाथों को अभी भी सूंघ रहा था और अपने होठों की गर्म लो उसके हाथों पर छोड़ रहा था जिसे महसूस कर आहाना अपने हाथ अनजान शख्स से छुड़ाने की कोशिश करती है छोड़ो मुझे तुम क्या कर रहे हो लेकिन वह अपनी पकड़ आहाना के हाथों पे और मजबूत कर देता है जिससे आहाना अपने हाथ वहां से एक बूंद भी हिला नहीं पाती है वह शख्स आहाना के हाथों को पकड़ अपने होठों के और करीब ले जाता है अपने होठों के हल्के हल्के स्पर्श उसके हाथों पर करने लगता है जिसे महसूस कर का आहाना कॉँप रही थी अब उसके बाहों में चटपटा सी रही थी छोड़ो मुझे तुम कौन हो मुझे जाने दो तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ अहाना के ऐसे बोलने से उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख तभी उस इंसान की धीरे पर सर्द और डरावनी आवाज़ आती है फिर से उस शख्स की सर्द आवाज़ आती है एंजल तुम्हारे हाथों से किसी गैर मर्द की बोह आ रही है फिर उसके हाथों को छूखते हुए बोलता है जो कि मुझे बिल्कुल ना गवारा है अनजान इंसान के मुंह से ऐसी अजीब बातें सुनाहाना दर्सी जाती है आज तक उसने ऐसी आवाज़ किसी की नहीं सुनी थी इसलिए वह पहचान भी नहीं पा रही थी कि वह कौन है और उसके ऐसे यू एंजल बोलने से वह अपनी कपाती आवाज में बोलती है तुम क्या बोल रहे हो मैं तुम्हारी कोई एंजल नहीं हूँ मैं आहाना सिंघानिया हूँ शायद तुम्हें कोई गलतफहमी होगी आहाना एक ही साथ सब बोल देती है अब आहाना अपना दर छुपाते हुए छोड़ो मुझे जाने दो मुझे मेरे आदित्य के पास जाना है आहाना के मुंह से आदित्य का नाम सुन उस शख्स एक पल के लिए रुक सा जाता है तभी अचानक से फिर सन्नाटा पसर जाता है अहाना को ऐसा लग रहा था वॉशरूम में ठंड ज़्यादा बढ़ गई हो सिर्फ़ वाशबेसिन में नल से टपकते पानी का आवाज़ आ रहा थी तभी अहाना के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती है आह क्योंकि उस शख्स उसके हाथों के पिछले हिस्से की उंगली के हल्के नीचे काट लिया था वह भी बड़ी बेरहमी से अभी भी अहाना के हाथ को अपने दांतों के बीच दबा रखा था जब वो उसके हाथों को छोड़ता है अहाना दर्सी कर रहा रही थी उसके हाथों में उस शख्स के दांतों के निशान बड़ी गहरी बन चुकी थी सर्द आवाज में जब मुझे तुम्हारे जिसम से किसी गैर मर्द की गंध नहीं पसंद तो तुम्हारे होठों से किसी गैर मर्द का नाम कैसे निकल सकता है टेल मी एंजल वो भी जब मैं तुम्हारे पास हूँ आहाना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वह अनजान शख्स उसे क्या बोल रहा है उसे तो बहुत दर्द हो रहा था वह दर से करहा रही थी अब उसे रोना आ रहा था वह रोने लगती है तभी वो शख्स अपने हाथ को थोड़ा ट्विस्ट करता है जो अभी आहाना उसके सीने से पीठ लगाए खड़ी थी जिसे उसने पेट को पकड़ा हुआ था अब वो आहाना को झट से पलटता है जिस वजह से आहाना सीधे हो उस शख्स से सीधा जाकर इंसान के सीने से लग जाती है आहाना को ये तो महसूस हो गया था वह इंसान जो भी है वह बहुत लंबा और उसका मस्कुलर और चौड़ा सीना था जो कि लोहे जैसा मजबूत था जिससे आहाना के नाक उसके सीने से सी जा टकराते जिससे उसे और दर्द होने लगता है वह शख्स अपने एक हाथ को उसकी कमर पकड़ उसे अपने शरीर से और चिपका और अपने आप को हल्का झुका उसके कानों की लौ के पास जा अपने वही सर्द आवाज़ में बोलता है यू आर ओनली माई एंजल डेविड कभी अपनी एंजल को पहचानने में कोई भी गलती नहीं कर सकता ये सब उसके कानों की लौ में अपने गर्म सांसे को छोड़ता हुए बोलता है जिससे आहाना सिहर सी जाती है आहाना अपने डर को काबू करते हुए और उस इंसान को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए छोड़ो मुझे छोड़ो मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मेरे साथ क्या बदतमीजी कर रहे हो और रोने लगती है मेरे आदि को पता चला ना तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है तुम्हारा वह क्या हाल करेगा कि तुम नहीं जानते फिर उसके सीने पर अपने हाथों से मारने लगती है और उसकी बाहों में छटपटाने लगती है लेकिन उस इंसान की पकड़ आहाना की कमर पर और भी ज्यादा टाइट थी जितना वह छटपटा रही थी उतना ही उसकी पकड़ और मजबूत हो रही थी जिससे आहाना को बहुत दर्द होने लगता है उसे लगता है उसकी कमर टूट जाएगी वह शख्स सहाना के शोल्डर कानों और बालों को अजीब तरीके से अब सूं रहा था जैसे प्रिया छटपटा सी जाती है और वह बोलती है मुझे छोड़ो ये तुम क्या कर रहे हो मुझे जाने दो अब आहाना अपने हाथ से उसके सीने पे मारना चालू कर देती है उसे आज़ाद होने की है लेकिन वह उसकी बाहों और कसती जा रही थी फिर आहाना आदि 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 करके चिल्लाने लगती है प्लीज हेल्प मी आदि तभी वो शख्स सहाना के ऊपरी बदन को अजीब तरीके सूंते हुए सेक्ट्रेली वे में बोलता है यू प्रोक मी एंजल 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 तभी अचानक से आहना की आवाज़ बंद सी हो जाती है आहना को अचानक से महसूस होता है कि उसके मुलायम होठ किसी सख्त होठों के बीच में दबे हुए हैं जो उसके होठों को बड़ी बेरहमी से कुतर जा हो जैसे वो अपनी नाराजगी निकाल रहा हो और हाँ योगिता जी आपने राजवीर की एज पूछिए मैं आपको आगे सबका डिटेल अच्छे से दूंगी हर एक कपलस का, का बस थोड़ा सा और वेट करिए एंड थैंक यू कमेंट करने के प्लीज सब ऐसे ही कमेंट और रिव्यू देते रहिए अपने सर पर धीमी आवाज में एंजल एंजल तुम वो कर रही जो मुझे पसंद नहीं कहते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ जो उसके सीने पर मार रही थी और उसे कमर से पकड़ थोड़ा उठा वॉशरूम के वॉल से लगा देता अहाना को ऐसे अचानक वॉल से लगने से झटका सा लगता है उसकी अहें निकल जाती है अब आहना के दोनों हाथ उस शख्स के एक हाथ से पकड़ वॉल से प्रेस किया हुआ था फिर वह अनजान शख्स अपनी बॉडी से अहाना को दबाते हुए जिसे उनके बीच एक हवा तक फासला न हो फिर उसके होठों पर हमला कर देता है जिससे आहाना के सॉफ्ट हॉट उस अनजान शख्स के सख्त होथ के बीच में आ जाते हैं वो उसे किस करने लगता है वह अपने हाथ आहाना के नाजुक गर्दन पर चलाते हुए उसके बालों में ले जा बालों को अपनी मुट्ठी में भर उसके चेहरे को ऊपर उठा आहाना को किस करने लगता है उसकी कमर को रफली सहलाते हुए उसे दबा रहा था जिससे आहाना को दर्द हो रहा था आहाना उसके ऐसे किस करने से छटपटाते सी रही थी उसकी बाहों से निकलना चाहती थी लेकिन उसके दोनों हाथ पकड़ वॉल से प्रेस किया हुआ था वह अपने दोनों पैर हिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने उसके दोनों पैर को अपने पैर से दबा रखा हुआ था उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे किस करते हुए उसके होठों को स्मूच कर रहा था उसके सॉफ्ट होठों से स्ट्रॉबेरी का स्वीट टेस्ट आ रहा था जिससे उसकी आहाना के होठों के लिए डिजायर और बढ़ती जा रही थी लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिस वजह से आहाना के होठों पर बाइक नहीं कर रहा था इसलिए वो उसके अपर और लोअर लिप्स को अब सॉफ्टली शक कर रहा था उसे आहाना को किस करते हुए दस मिनट हो गए होंगे जब उसे महसूस होता है आहाना ने छटपटाना बंद कर दिया है उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ना चाहते हुए भी उसकी स्वीट लिप्स को छोड़ देता है जिसे आहाना दीवार से लगे ही जोर जोर से सांस लेने लगती है जिससे उसके चेस्ट भी ऊपर नीचे हो रहे थे जो कि उस अनजान शख्स को सख्त बॉडी से आहाना की सॉफ्ट बॉडी दबी होने की वजह से उसके चेस्ट उसके मस्कुलर बॉडी से रगड़ खा रहे थे वो उसके मुलायम होठों के खिलाफ वह मदहोशी में बुद बुदाया एंजल आई कांट कंट्रोल यू आर सो टेस्टी एंड योर लिप्स सो स्वीट और अपनी बॉडी से आहाना की चेस्ट को प्रेस होता हुआ फील कर साकेस्टिकली तरीके से स्माइल करते हुए डबल मीनिंग में बोलता है एंड यू आर सो सॉफ्ट एंजल जिसे सुनहाना को घिन और गुस्सा आ रहा था उसके आंखों से लगातार आंसू उसके गालों पर बह रहे थे फिर वह अपने होठों के हल्के स्पर्श शाहाना के होठों पर हल्का सा किसकर उसके होठों के नीचे होते हुए सॉफ्ट की तरीके से अपना हॉट टच कर उसकी धुड़ी से होते हुए उसके गर्दन पर ले जाता है जिसे महसूस कराहाना बस सीहर सी रही थी उसे अजीब सा लग रहा था उस अनजान शख़्स का इतना क़रीब आना आज आहना ने एक ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसकी थाई तक आ रही थी और उसके शोल्डर और नेक खुले हुए थे वन स्ट्रक वाले स्लीव थे जिस वजह से उसके शोल्डर और नेक हल्के क्लीवेज खुले हुए थे जिस वजह से उस अनजान शख्स को उसकी नेक और शोल्डर को सॉफ्टली किस करने में और आसानी हो रही थी उसके कॉलाबोन से क्लीवेज और शोल्डर को सूंघते हुए अपने नाक को उसके कॉलबोन पर रब करते हुए उसके कॉलरबोन और क्लीवेज के खिलाफ अपने हॉट रख हुआ बुद्ध बुदाया यू आर स्मेल सो डिफरेंट एंजल जो मुझे पागल बना रहा है आहना बस बुध बनी उसकी बातें सुन रही थी वह कहते हुए और रोते हुए धीरे से बुद्ध बुदाए जा रही थी तुम कौन हो मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो प्लीज लीव मी प्लीज लीव मी लेकिन वह उसकी बातों को अनसुना कर उसकी क्लीवेज अपने होंठ चलाने लगता है और नीचे होता है उसके चेस्ट पहुंचता है तो उसे कपड़ा महसूस होता है जिसे महसूस कर न खुश होता जाता है फिर वह अपने होंठ उसके क्लीवेज से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है उसके होंठ अभी भी उसके बदन से अलग नहीं हुए थे उसके होंठ अब उसके शोल्डर पे चले जाते हैं जहां उसके वन स्ट्रैप स्लीव थे उन्हें अपने दांतों से पकड़ शोल्डर से नीचे करता है फिर आहाना के ट्रांसपेरेंट ब्रा के स्ट्रैप को अपने दांतों से नीचे करता है जिसे महसूस कर आहाना चिल्ला उठी है लीव मी वॉट आर यर डूइंग प्लीज लीव मे अलोन और वो रोने लगती है तभी एक मजबूत हाथ हाथा उसके हॉट को अपने हाथों से बंद कर देता है जिससे उसकी आवाज उसके मुंह के अंदर ही दब के रह जाती है अहाना अपने चेहरे को हिलाने की कोशिश करने लगती है लेकिन उसकी मजबूत पकड़ की वजह हिल नहीं पाती चाह एंजल टोन डिस्टर्ब मी फिर वह अनजान शख्स नीचे की ओर झुकता है अब तक अहाना के दोनों स्ट्रेप नीचे करने लगता है उस वॉशरूम के अंधेरे में भी उस अनजान शख्स की नीली आंखें आहाना की वह दूध सा छना हुआ बदन देख पा रहा हो आहाना को अपने चेस्ट पर किसी की घूरती हुई निगाहें महसूस होती है तभी आहाना को अचानक से अपनी चेस्ट पर किसी के होठ महसूस होते हैं जिसे महसूस कर उसे करंट सा लगता है आहाना कापसी जाती है आतिफ़ जी मैं अभी नहीं बता सकती कि राजवीर आहाना को जानता है या नहीं वह सब आपको स्टोरी में ही पता चलेगा वह एक सस्पेंस मैं जानती आप लोग को मैं रेगुलर एपिसोड नहीं दे पाती इसलिए मैंने आज जितना हो सके उतना बड़ा एपिसोड लिखने की कोशिश की है और हाँ नेक्स्ट एपिसोड फोर्स रोमांस होगा तो पढ़ना ज़रूर जिसे नहीं पसंद सुना पड़े एंड आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और कमेंट दीजिएगा एंड सॉरी मैं रेगुलर एपिसोड नहीं दे पाऊंगी मेरी कुछ पर्सनल रीज़न है लेकिन मेरा जैसे होता है मैं आपको एपिसोड डाल दूंगी ना आज आहाना को अपने आप से आ रही थी क्योंकि आज तक कोई उसके इतने क़रीब नहीं आया था यहां तक आदित्य भी उसके इतने क़रीब नहीं आया था ये तक आदित्य भी उसके इतने क़रीब आने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि आहाना ने पहले से मना किया था वो ये सब शादी के बाद करना चाहती थी इसलिए आदित्य ने आज तक उसे हल्का लिपकिस किया था उससे ज़्यादा उसने अपनी लिमिट कभी क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी उसे अपने आप से आज बहुत ज्यादा घिना रही थी वह अपनी जिस्म को पूरा साफ करना चाहती थी उस अनजान शख्स की टच को मिटाना चाहती थी वह अपने आप को आदित्य के लिए प्यों नहीं मान पा रही थी उसके आंसू पानी की तरह बहती जा रहे थे और वह उस अनजान शख्स के हाथों पर बहते जा रहे थे उस अनजान शख्स के हाथ जो आहाना के होठों को दबाए हुए थे अपने हाथों की हथेलियों में आहाना के आंसू महसूस कर वह रुकसा जाता है जो वो नीचे उसके सीने और बढ़ रहा था नीचे नजा सुहाना के चेहरे की ओर बढ़ जाता है और उसके आंखों पर अपने होठ रख उसके आंसू अपने होठों से चूसने लगता है यह महसूस कर सुहाना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है बड़ी शिद्दत से उसके आंखों पर वह अपने होंठ चला रहा था सुहाना उसे बस महसूस कर रही थी तभी उसके आंखों से हट वर्ग सुहाना को उस अंधेरे में देखते हुए बोलता है धीरे से अपने सर पर सीडेक्टिव वॉइस में बोलता है यू नो वट एंजल यूर तेर्स आर ऑल्सो टेस्टी लाइक यू आई वॉन्ट टेस्ट मो बट आई डू दिट लेटर अभी मुझे तुम्हें कुछ और देना है फिर नीचे की ओर बढ़ जाता है उसके सख्त हॉट अहाना के सॉफ्ट सीने पर थे उसने पहले उसके सीने पे अपने हॉथ सॉफ्टी रखे वह अपने वेट टम को उसके सीने पे चलाने लगा था उस अनजान शख्स के हॉठ अपने बदन पर महसूस कर अहाना से हंसी जाती है जिसे न चाहते हुए अहाना को आज पहली बार अपने बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है ऐसा उसने आज तक फ़ील नहीं किया था जिस महसूस कर आहाना अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेती है जिसे अनजान शख्स अच्छे से आहाना के हर एक मूवमेंट को महसूस कर पा रहा था क्योंकि उसने उसके हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ वॉल से लगाया हुआ था जिसे महसूस कर उसके सीने को स्मूच करते हुए ही उसके होठों पे एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है जिससे उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर उठ से जाते लेकिन वो मुस्कान तुरंत गायब हो जाते हैं न चाहते हुए भी आहाना क्याें निकल रही थी लेकिन उसके होंठ उस इंसान के हाथों से बंद होने की वजह से अंदर दबके रह जाती है वो उससे बहुत वाइल्डी पेश आ रहा था उसके होठों से भी ज्यादा यहाँ पर वाइल्ड हो रहा था वो उसे रफली स्मूच और शत कर रहा था जिससे उसको बहुत पेन हो रहा था उसके एक हाथ आहाना के दोनों हाथ को पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ आहाना के होठों को बंद किए हुए थे जिन हाथों से उसने आहाना के होठों को बंद किया होता अब उसे हटा उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए आहाना के सीने से दूर हो उसे बोलता है अपनी करकश पर मदहोशी भरी आवाज में बोलता है एंजल मैंने कहा था ना यो सो सॉफ्ट जिससे सुनहाना अपनी आंखें जोरों से बंद कर लेती है अपने होठों को आपस में जोर टाइटली बंद कर लेती है कि उसके मुंह से एक भी आवाज ना निकले वो उसके गर्दन से होते हुए नीचे की ओर आहाना के राइट साइड सीने पर अपने हाथ रख देता है उसे कपड़े के ऊपर से ही सहलाते हुए प्रेस कर रहा था और अपने होठों को फिर से आहाना के सॉफ्ट सीने पर रख देते उसके होंठ फिर से आहाना के सीने पर आ चुके थे वो उसके साथ फिर से वाइल दल आ रहा था अब आहाना के हाफ़्ते होठों से उसकी आहों की आवाज़ ना चाहते हुए भी बाहर आने लगती है आहाना की आहें पूरी वॉशरूम में गूंज रही थी जो उस शख्स के लिए किसी मधुर संगीत जैसी लग रही था वह इसे और सुनना चाहता था यह आवाज़ यह आहे उसकी बॉडी उसके हॉट ये सब उसका था और बहुत जल्द इसे हासिल करके रहेगा बस उस सही समय का इंतज़ार था उसे उसके बाद वह आहाना के चेस्ट पे वाइल्डली पैसा रहा था आह दर्द हो रहा है प्लीज लीव मी आह आहाना अपने दर्द को कम करने के लिए वॉल से चिपके हुए अपने बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही थी जिसे महसूस कर वो अनजान शख्स आहाना के राइट साइड के चेस्ट को जोर से प्रेस करता है अपने हाथों से जैसे उसे मसल रहा था आह प्लीज़ लीव मी तभी अचानक से आहाना की बहुत जोरो चीख निकलती है ये चीख खााना के पूरे वॉशरूम में गूंज जाती है उसके आंसू उसके आंखों से लगातार बही जा रहे थे वो दर्द से हाफ़ रही थी क्योंकि उस अनजान शख्स ने उसके सीने पे बहुत वाइल्डली बाइट किया था उसके दांत अभी भी उसके सीने में धसे हुए थे अपने दांत वहां से हटा उस बाइट वाली जगह किसकर अजीब तरीके से मुस्कुराता है ऐसा लग रहा था उस बाइट के निशान को वो भी वह अपनी नीली आंखों से उस अंधेरे महसूस कर देख पा रहा हो कि उसके बॉडी पर वह निशान कैसे लगेंगे फिर मन में यह मेरी जुनून कहो या सनक उसकी यह पहली मोहर है वह भी तुम्हारे दिल के करीब क्योंकि उसने आहाना को लेफ्ट साइड की चेस्ट पे काटा था जिस साइड हॉट होता है आज वह आहाना पे अपने जुनून सनक की एक मोहर देना चाहता था उसे बताना चाहता था कि उसकी लाइफ में किसी की दस्तक हो चुकी है जो कि अब उसकी ज़िंदगी बनने वाला है फिर वह आहाना को रिलीव कर देता उसके दोनों हाथ को छोड़ देता है और अपनी बॉडी के वेट को उसके ऊपर से हटा देता है जिससे आहाना नीचे जा गिरती है क्योंकि आहाना की बॉडी पूरी लूज हो चुकी थी उसी हालत में दर्द से कराहते हुए सिस्क रही थी वॉल से लगे फ्लो पर बैठ जाती है उसकी सिसकते हुए रोने की आवाज़ आ रही थी जिससे वह अनजान शख्स सुन अपने घुटनों के बल बैठ आहाना के बिल्कुल पास बैठ जाता है जिसे महसूस कर आहाना और डर सी जाती है वह वॉल से और चिपकने लगती है और उसकी खुले हुए चेस्ट को अपने हाथ से कवर अप करने लगती वो लेकिन फिर भी नहीं रुकता उस अंधेरे में ही अपने फेस को आहाना की नेक के पास ले जा अपनी गहरी और भारी सांस उस पे छोड़ते हुए उसकी ये लो अपने होठों को छूते हुए बोलता है एंजल रिलैक्स अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हें मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुम्हें कुछ देना था एंजल ये निशान मेरे सनक की पहली मोहर तुम्हारी जिम पर ये तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की दस्तक हो चुकी है आगे की लाइन को अधूरी छोड़ देता है फिर अपने मन में एंजल ये तो मेरी तुम्हें पाने की पहली मोहर है जो मैंने तुम्हारे बदन पर दी है एक सन की हस्ती दे तुम मेरे करीब जितना होगी उतना तुम्हें मिलेगा इससे पता चलेगा कि तुम सिर्फ़ मेरी हो तो ये हर बार याद दिलाएगी तुम किसकी हो फिर अपने हाथ को ले जा उसके गाल को सहलाने लगता है उसके गाल जो कि आंसुओं की, की वजह से पूरे गीले था फिर उसके माथे अपने होठों से छू अपने हाथ उसके शोल्डर पर ले जाता है जिसे महसूस कर आहाना डर से कपते हुए उससे दूर होने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको टाइटली पकड़ दूसरे हाथ से जहां उसने आहाना की स्लीव को सरकाया हुआ था वह उसके कपड़े को सही करने लगता है आहाना ये सोचा रही थी यह फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने वाला लेकिन वह चौंक जाती जब उसके कपड़े सही करने लग फिर उसके बालों में हाथ ले जाके बालों को सही करते हुए बोलता है रिलैक्स एंजल मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा फिर वह हाथ को पकड़ता है जिस पर उसने बाइट किया था हाथों की कलाइयों को पकड़ वह जगह पर चूमता है जहां उसने बाइट किया था जिसे महसूस कर आहाना अपनी आंखें जोरों से मिच लेती है फिर मिलेंगे एंजल मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि आप लोगों मेरी स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है क्योंकि आप लोग मेरे को भी बिल्कुल भी रेटिंग नहीं दे रहे हैं मुश्किल से मुझे दस ही रेटिंग मिले हैं और स्टोरी में व्यू कमा रहे हैं आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है कि नहीं प्लीज कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज रेटिंग भी दे दीजिए जिससे मेरी स्टोरी आगे बढ़ सक